तो दोस्तों, पराजी इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उसे डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। इस क्वार्टर में 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं टाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 828 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 1003 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1018 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 23 से 24% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 745 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 907 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 906 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया 1.5% के आसपास का रेवेन्यू जंप है। लेकिन कंपनी के खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे साल दर साल ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 70 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 88 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 91 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 3.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.83 रुपये, पिछले साल 4.80 रुपये, अभी देखें तो 5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के अंदर तेजी है, लेकिन हल्का सा तेजी है। मतलब 1.5% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है और 3% के आसपास का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस होता है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।